आज आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जो खबर आपका कलेजा चीर देगी, यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी खबर आपको सुनाने जा रहा हूं। खबर यह है कि एक माँ अपने जिंदा नवजात बच्चे को जो है वो एक बगीचे में जाकर दबा देती है। यकीनन है एक माँ जहां अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है और दूसरी तरफ एक ये माँ है जो अपने बच्चे को, जिंदा बच्चे को बगीचे में जो है वो दबा देती है और उसके कुछ ही पल के बाद वो कहते हैं ना, जाको राके साइयां तो मार सके ना कोई। कुछ ही पलों के बाद वहां से एक दंपति जाने की, एक कपल वहां से गुजर रहा था। जब वो कपल वहां से गुजर रहा था, उन्होंने देखा कि बगीचे से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। जब उन्होंने आगे देखा तो वहां पर कोई बच्चा दिखा नहीं, पर वहां पर ढूंढते समय उनको आवाज जब आ रही थी हल्की हल्की, जैसे ही ढूंढ रहे थे, उन्होंने उनकी नजर पड़ी कि एक जगह मिट्टी में से बच्चे का हाथ जो है वो बाहर नजर आया। उन लोगों ने जल्द से जल्द मिट्टी को हटाया, उस बच्चे को वहां से उठाया और पास ही चाइल्ड हेल्थ सेंटर में लेकर उसे, या वहां पर पहुंचते हैं तो डॉक्टर कहते हैं थोड़ी सांस की दिक्कत जरूर है पर बच्चा स्वस्थ है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि एक माँ ऐसा काम करेगी कि एक अपने बच्चे को जाकर वो जिंदा बच्चे को बगीचे में दबा देगी। ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी, पर दूसरी तरफ उस बच्चे के शायद जो ऊपर वाले ने माँ बाप दिए, जो कपल वहां से गुजर रहा था, उनकी नजर जब पड़ी तो वो बच्चा जो है वो स्वस्थ जो है वो उस जमीन से बाहर निकाल दिया गया। खबर जो है वो मैं आपको पूरी थोड़ी विस्तार से बताता हूँ कि खबर है कहाँ की, क्या पूरा मामला है। मैं आपको बता दूंगा कि एक माँ ने बगीचे में जिंदा नवजात बच्चे को मिट्टी में दबा दिया। उधर से गुजर रहे कपल ने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसे जो है वहां से भगा, बाहर निकाल लिया और इसके बाद एम्बुलेंस में वो CHC ले गए। बच्चा अब स्वस्थ है। और पुलंदर गांव निवासी राजेश बताया करते हैं कि शुक्रवार शाम को जब वो अपनी पत्नी नीलम के साथ खेत में से काम करके लौट रहे थे तो हमने देखा कि एक बगीचे में बच्चे के रोने की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है, लेकिन वहां पर उन्हें दिखा कोई नहीं। आगे बढ़ा तो एक जगह देखी, वहां से बच्चे के हाथ की जो है बाहर नजर आया और मिट्टी जो है हटाई, और मिट्टी हटाने के बाद बच्चे का हाथ भी नजर आया। इसके बाद बच्चे को बाहर निकाला। CHC के डॉक्टर विकास कुमार ने बच्चे की जांच व इलाज शुरू किया और उन्होंने कहा बच्चा स्वस्थ है। कहा कि थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन दी गई है, बच्चा स्वस्थ है। बच्चे का जन्म डॉक्टर कहते हैं कि मात्र 7 से 8 घंटे पहले का ही हुआ है। अब मैंने पहले भी कहा कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई, 7-8 घंटे का मात्र ये बच्चा था। उधर बच्चा मिलने से राजेश बहुत खुश था। वो इसलिए खुश था कि उसने कहा कि उनकी 3 बेटियां हैं। अब मैं बता देता हूं, ये वही कपल है जो राजेश और नीलम, वो इतनी बात कहते हैं कि हमारी 3 बेटियां हैं और भगवान ने हमें एक बेटा दे दिया है। डॉक्टर विकास कुमार ने बताया कि कोतवाली बोगनपुरी के थाना मूसानगर को सूचना देने के बाद प्रोवेशन विभाग को भी सूचना जो है वो दे दी गई है। वो सब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सब लोग यही कहते हैं कि खबर ये बाहर की है। खबर जरूर बाहर की है पर खबर जो है दिल दहलाने वाली है। ये खबर कानपुर देहात में मूसानगर थाना क्षेत्र जो आता है वहां के पुलंदर गांव की है, पर खबर ऐसी है कि हम लोग भी मजबूर हो गए आप तक सुनाने के लिए, क्योंकि एक माँ इस तरह की हरकत करेगी, अपने बच्चे को, मात्र 7-8 घंटे के बच्चे को जो है वो एक जमीन में दबा देगी। पर वहां से जो कपल गुजर रहा था, जब उन्होंने बच्चे की आवाज सुनी, बच्चे को निकाला, तो उन्होंने भी कहा हमारी 3 बेटियां इससे पहले भगवान ने दी थी, आज भगवान ने हमें बेटा भी दे दिया। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए, देखते रहे NEWS TV। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।